यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने रूस के सैन्य ठिकानों पर MiG-29 से मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन ने रूसी एयर स्ट्राइक से बचने के लिए कम ऊंचाई से MiG-29 से मिसाइल दागी। हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा किया गया। वॉर जोन में रूसी और यूक्रेनी फौज की आमने सामने की जंग का वीडियो सामने आया है। आमने सामने की जंग में रूसी अटैक यूक्रेनी सेना के जवान पर भारी पड़ा। बंकर में छिपे यूक्रेनी फौज का जवान रूसी गोले की चपेट में आकर जान गंवा बैठा। ज़ेपोरिज़्या को किसी भी हाल में यूक्रेनी फौज रूस के कब्जे से आजाद कराने के लिए आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी फौज को रोकने के लिए रूसी सेना ने यूक्रेन ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी है। इस हमले में यूक्रेनी ठिकाने तबाह हो गए। डेट स्पीगल की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में जर्मनी की आर्टिलरी और टैंक खराब हो रहे हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को जुलाई में ही 14 होवित्ज़र तोप दिए थे जो खराब होने लगे हैं। हथियारों की मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट्स की भी कमी हो रही है। अमेरिका में रूसी राजदूत एनाटोली एंटोनोव ने यूक्रेन पर रूस और नेटो को जंग में झोंकने का आरोप लगाया है। एंटोनोव ने कहा कि पोलैंड मिसाइल अटैक को ज़ेलेंस्की ढाल बना रहे हैं। पोलैंड के बहाने ज़ेलेंस्की रूस और नेटो में जंग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बैटलफील्ड में यूक्रेन ने रूसी बख्तरमंद गाड़ियों के काफिले पर बड़ा अटैक किया है। यूक्रेनी आर्मी ने लंबी दूरी के जैवलिन 80 GM से रूसी टैंकों को निशाना बनाया है। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। बेलारूस से रूसी हमले की आशंका को देखते हुए बेलारूस से लगने वाली सीमा पर यूक्रेन कांटों की दीवार बना रहा है। बेलारूस में रूसी सैन्य बेस में 50,000 रूसी जवानों की मूवमेंट हो सकती है। बेलारूस से रूस मिसाइल हमले की तैयारी भी कर रहा है। खेरसोन को आजाद कराने के बाद यूक्रेन की नजर रूस के क्रीमिया पर है। यूक्रेन की तैयारियों को देखते हुए रूस क्रीमिया में अपनी पोजीशन को मजबूत करने में लगा है। क्रीमिया में रूसी फौज को 24 घंटे चौकन्ना रहने के आदेश दिए गए हैं। ब्लैक सी के रास्ते यूरोप को अनाज की सप्लाई बाधित है। ग्रीन कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए यूक्रेन ने ओडेसा के समंदर में अपनी पहली मैरीटाइम गार्ड यूनिट को तैनात कर दिया है। रूसी हमले के खतरे की वजह से अनाज सप्लाई नहीं हो पा रही है।